बीपीएससी पीटी परीक्षा में निगेटिव मार्किंग को तो छात्र छात्राएं स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन शिक्षक और अभ्यर्थी दोनों ही एक स्वर से पीटी परीक्षा में दिए जाने वाले ई ऑप्शन का विरोध कर रहे हैं। इन सबों की मांग है कि जब आयोग ने निगेटिव मार्किंग लागू कर दी है तो अब ई ऑप्शन को हरगिज नहीं रहना चाहिए। बता दें कि ऑप्शन के तहत बीपीएससी पीटी में दो ऑप्शन होते हैं, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। बीपीएससी का तर्क है कि ई ऑप्शन के जरिए वह अभ्यर्थियों की मेरिट की जांच करता है। वर्षों से छात्र छात्राओं को बीपीएससी परीक्षा की तैयारी कराने वाले गुरु रहमान कहते हैं कि बीपीएससी ने जो सुधार किया है वह काबिले तारीफ है। मुख्य परीक्षा के पैटर्न में जो बदलाव किए गए हैं मैं उसकी तारीफ करता हूं, लेकिन मैं सीएम, डिप्टी सीएम और आयोग के चेयरमैन से निवेदन करता हूं कि बीपीएससी पीटी से ई ऑप्शन को हटाया जाए। जब निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था पीटी में कर दी गई तो ई ऑप्शन का कोई औचित्य नहीं रह गया है, इसे हटा ही देना चाहिए। छात्र नेता दिलीप कुमार का कहना है कि बीपीएससी जानबूझकर ई ऑप्शन नहीं हटा रहा है। हर बार बीपीएससी में 150 में से कुछ प्रश्न गलत पूछे जाते हैं। ई ऑप्शन को सेफ्ट वॉल्व के रूप में आयोग इस्तेमाल करता है, क्योंकि प्रश्न गलत हो तो ई आंसर मान लिया जाए। गलत प्रश्न को सही साबित करने के लिए ही आयोग ने ई ऑप्शन को लाया है। इसे आयोग नहीं हटाता है तो लाखों छात्रों के साथ अन्याय होगा। निगेटिव मार्किंग का हम सभी स्वागत करते हैं, अपनी गलती को छुपाने का बीपीएससी का तरीका सही नहीं है। बीपीएससी के द्वारा जो भी परिवर्तन किया गया है वो काबिले तारीफ है, लेकिन जो ऑप्शन हटा दिया गया उसके ऊपर ऐसे रख दिया गया वो भी बहुत काबिले तारीफ है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि निगेटिव मार्किंग आने के बाद ई ऑप्शन का कोई औचित्य नहीं रहता है। इसलिए बीपीएससी से नम्र निवेदन है, माननीय अध्यक्ष महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय डिप्टी सीएम से ये नम्र निवेदन है कि ई ऑप्शन किसी परिस्थिति में हटाया जाए, क्योंकि ई ऑप्शन का अब कोई औचित्य नहीं रह जाता है जब आप निगेटिव मार्किंग लाते हैं। तो इसलिए मेरा नम्र निवेदन है, तमाम बच्चों का नम्र निवेदन है कि ई ऑप्शन जितना जल्दी हो सके हटाया जाए, क्योंकि यह बच्चों के लिए अहितकारी है। बीपीएससी जानबूझकर ई ऑप्शन को नहीं हटा रही है, क्योंकि बीपीएससी में हर बार 150 में से कुछ प्रश्न गलत पूछे जाते हैं और ई ऑप्शन सेफ्टी वाल्व के रूप में बीपीएससी इस्तेमाल करती है, ताकि क्वेश्चन गलत हो तो ई ऑप्शन उसको मान लिया जाए और क्वेश्चन उनका गलत साबित न हो। तो ये प्रक्रिया बीपीएससी में लंबे समय से चली आ रही है, और उससे बचने के लिए यानी गलत क्वेश्चन को सही साबित करने के लिए बीपीएससी ने ई ऑप्शन लाया है पीटी में, और इसके बावजूद भी 67वीं बीपीएससी में 9 प्रश्नों का उत्तर गलत दिया गया है। तो बीपीएससी में पीटी में जब निगेटिव मार्किंग लागू किया जा रहा है तो ई ऑप्शन तो हर हाल में हटना चाहिए, इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि आप ई ऑप्शन को हर हाल में हटाइए, नहीं तो फिर ये लाखों छात्रों के साथ अन्याय होगा, उनके भविष्य से खिलवाड़ होगा, क्योंकि ई ऑप्शन बहुत ही खतरनाक है, गलत है। और इससे क्या होता है कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर ई ऑप्शन उसका है, ई आंसर सही है, और किसी अभ्यर्थी ने उसको मारा है ये समझ के ही कि इसमें से एक से ज्यादा ऑप्शन सही है तो वो भी सही हो जा रहा है, और किसी अभ्यर्थी ने उस क्वेश्चन का आंसर ई इसलिए दिया है क्योंकि उनको लगता है कि इन चारों ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में दोनों अभ्यर्थी का उत्तर सही हो जा रहा है, तो इसलिए ई ऑप्शन को हटाया जाना चाहिए। निगेटिव मार्किंग का हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन ई ऑप्शन को हटाया जाना चाहिए, और बीपीएससी अपनी गलती को छुपाने के लिए ई ऑप्शन को ढो रही है।